सीआरई सीएस को पढ़ा अपने साथ प्रैक्टिस की। जी सर किया है, लेकिन सर आप डिजाइनर नहीं क्या पढ़ाएंगे सर? डिजाइनर 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 भी सर इसमें हमारे कोर्स में तो नहीं था। नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं सर आपसे सिर्फ। क्लाउड फॉर्मेशन में है ना सर, डिजाइनर का भी ऑप्शन है उसमें, तो उससे भी काफी विजुलाइज हो जाता है। मैंने आप नोट्स के बारे में कुछ क्लास वगैरह दी थी, जो जी जो पॉइंट वगैरह उस क्लास में समझा दिए थे डिजाइनर के, कि डिजाइनर से आप किस तरह चीज़ों को लेके चल सकते हैं, डिजाइनर कितना आपको हेल्प करता है। तो डिजाइनर तो जो यस डिजाइनर सर, का जो ओवरव्यू था वो तो हो गया था। बाकी क्लाउड फॉर्मेशन के लिए आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी क्लास में, क्लास के बाद। जी जल्दी से अगर किसी क्वेश्चन वगैरह तो पूछने, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। सर, क्वेश्चन ये है कि कुबरनिटीज का सर फिर काम इसमें क्या रह जाएगा अगर हम ECS यूज हम कर रहे हैं। बात तो सर एक ही हो रही है क्योंकि वो थर्ड पार्टी है कुबरनिटीज, और अगर हम AWS का ही यूज हम करें। ECS आपको सर्विस और कैंडिडेट जी नंबर बनाने दे रहा है, जैसे हम डॉकर के अंदर बनाते थे। आप ECS के अंदर वो काम करें जो आप डॉकर के अंदर करते थे। जब हम उसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं पॉड्स के लेवल पे, तो फिर AWS की सर्विस है EKS, इलास्टिक कम्युनिटी सर्विस। वो काम है, वहां पे काम है कम्युनिटीज का। सर, ये ECS में और कुबरनेटीज में फर्क क्या है फिर? देखिए, ECS आपके कंटेनर्स, आपका जो अगर आप क्वार्टर वन के अंदर जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो पहले जी पढ़ाया सर, गया पढ़ा है था कि डॉकर के डॉकर। अंदर जो जो चीजें आप लोग डॉकर के साथ कर सकते थे वो आप लोग कर सकते हैं ECS के अंदर। तो फिर अब डॉकर के बाद कम्युनिटी की जरूरत क्यों पड़ी? ऑर्केस्ट्राइजेशन करने के लिए सर, ऑर्गेनाइजेशन तो जो है डॉकर पे हो रही है, क्योंकि डॉकर का रिकॉग्नाइजेशन सर वो तो डॉकर है ना, स्वाम है सर। डॉकर तो जो एग्जैक्टली तो वो जो तो हाँ सिंपल कंटेनर बना रहा है ना सर। लेकिन डॉकर ने तो बना दिया कंटेनर, आपने उसको मैनेज कर लिया। जी आप तो वो स्वाम वाले काम करने हैं वो तो आप ECS के अंदर कर नहीं सकते, या कर सकते हैं। सर, यही है ना चीज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है सर, बस थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर देना। देखिए, ECS के अंदर आप जो है एक टास्क बना सकते हैं, एक सर्विस बना सकते हैं, जिस तरह आप जो है अपना डॉकर के अंदर करते थे कि आपने जो है इमेज से जो है कंटेनर बनाया, या जो है डॉकर कंपोज की फाइल यूज करते हुए मल्टीपल कंटेनर्स बना लिए, एक पूरी से अपना सर्विस बना ली। इसके बाद आता है कम्युनिटीज और ऑर्केस्ट्रेशन ठीक है सर। देखिए, ऑपरेशन तो हो गई आपकी यहीं पर ही डॉगर के अंदर ही, कि डॉगर ने ठीक आपकी ओएस वाली चीजें और वो सारी चीजों को रिमूव कर दिया, कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ आपकी एप्लीकेशन का कोड और उसकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज हैं बस। रेब्लिका सेट सर, अब फिर हम कैसे बना रहे हैं ECS में, तो कैसे ये हो रहा होगा? ECS के अंदर रेप्लिका सेट नहीं है, EKS के अंदर है रेप्लिका सेट। देखिए, ठीक है फिर।
ईसीएस के अंदर क्या है, ईसीएस के अंदर हमारे पास जो है लोड बैलेंसिंग का ऑप्शन है। जब हम लोग जो है कंटिन्यूस बना रहे थे, जब मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में ईसीएस सिखा रहा था, तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन था कि हमें कितने जो है मिनिमम और कितने मैक्सिमम रखने हैं। ठीक है। ताकि ये है कि अगर जब ऑटो स्केलिंग के लिए बेसिकली कि जैसे ही लोड बढ़े तो जो है वो जो है उसको जो है स्केल अप कर दे वरना स्केल डाउन कर दे। ठीक है। ओके सर, आपसे सर एक रिक्वेस्ट भी की थी कि एक आप मिनी प्रोजेक्ट सर करवा दीजिए इसी में, AWS में 3 tier के ऊपर, तो सर ये बहुत सी बातें क्लियर हो जाएगी। आवाज आ रही है सर आपको? जी देखें, मैंने इसका आप लोगों को बोला था कि ये वाली चीज़ हम लोग रखेंगे लास्ट क्लास के लिए। आज है सर हमारी आज सेकंड लास्ट लास्ट क्लास, है सर, 12th है। आज है हमारी सेकंड लास्ट क्लास। ठीक है सर। सर मतलब एक एक क्लास में इसके इतना कुछ बाद हो जाएगा सर? आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे मेनली अपने थ्योरी के टॉपिक्स हैं। आज हमारे प्रैक्टिकल के कोई टॉपिक्स हैं नहीं इतने ज़्यादा। अब ठीक है ये सर। है कि आज हम लोग का जब ये चीजें कवर कर लेंगे हमारी, तो हमारे पास एक टॉपिक बचेगा वो है सर्वरलेस का। वो नेक्स्ट क्लास में कवर होगा। और उसके बाद जो हमारी मार्च 3rd की क्लास है उसके अंदर जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग देखेंगे कि जो है हम आप लोगों को प्रोजेक्ट का कवर कर करवा सकें। ठीक है, फिर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम सर्विसेज जो भी यूज हो सके मैं उनको यूज करना सिखाऊं। यस सर, यही कुछ चाह रहे थे कि एक चीज वाजे तो एक बार सारा कोर्स आपका खत्म हो जाए फिर उसके हो बाद आते हैं ना जाएगी ना, इस फिर तरफ। उससे बहुत फायदा हो जाएगा। एक बार आपका पूरा कोर्स खत्म तो होने दें। अब आप कोर्स के चलें, बीच कि आप एक मुझे पूरा प्रोजेक्ट करवा दें सर, तो मैं अभी आपको जो है लैम्डा फंक्शंस की एप्लीकेशन दिखाऊंगा। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं। चलें सर, स्टार्ट कीजिए सर क्लास।
रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अच्छा जी, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है AWS KMS, ये की मैनेजमेंट सर्विस। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो क्या है कि AWS की मैनेजमेंट सर्विस इज अ मैनेज सर्विस दैट मेक्स इट इजी फॉर यू टू क्रिएट एंड कंट्रोल क्रिप्टोग्राफिक कीज दैट आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर डेटा। AWS KMS uses hardware security modules HSM to protect and validate your AWS KMS keys under cryptographic module validation program. China regions do not support this module validation. The AWS KMS uses OSCA certified HMS to provide to protect KMS keys in China region. तो basically KMS आपकी कीज को मैनेज करने के लिए या कीज को प्रोटेक्ट रखने के लिए एक सर्विस है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है हमें? इसकी जरूरत हमें ऐसे पड़ती है कि जब हम चीजों को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, लेट से हम क्लाउड ट्रेल को या क्लाउड वॉच को हम जो है इंटीग्रेट करवा रहे हैं किसी और मॉडर्न सॉल्यूशन के साथ, या हमारा ऑन प्रेम पे कोई एक और मॉडर्न सॉल्यूशन चल रहा है उससे हम लोग लॉग सारे रिट्रीव करवा के क्लाउड वॉच में शो करवा रहे हैं, तो उसकी कीज को सेव करवाने के लिए AWS की एक सर्विस जो बनाई उसे कहते हैं AWS KMS। मैं आपको इसका एक डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ मेरे पास आ रहा है क्रिएटर की। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मुझे किस तरह की चीजें चाहिए, साइमेट्रिक चाहिए या असाइमेट्रिक चाहिए, यूजेज क्या है। अब ये करेगा क्या कि ये मुझे जिस तरह हम लोग पुटी के अंदर की जनरेट करते थे पब्लिक और प्राइवेट की, उस तरह मुझे जनरेट करके दे देगा और उसको फिर ये अपने पास रखेगा। तो फिर हमारे पास जो की वैलिडेशन के लिए जो है हमारी सर्विस को आना होगा KMS के पास अपनी की को वैलिडेट करने के लिए। मैं इसको नेम दे दूं। अब देखिए, अब इस की के थ्रू मैं कौन कौन सी सर्विसेज को एक्सेस दे सकता हूँ, ये सारे बस रोल्स आ रहे हैं। सर यानी इसमें हम अपनी जनरेटेड की नहीं रख सकते जो खुद से जनरेट की हुई हो। आप कह रहे हैं कि जो अपलोड करने के लिए नहीं, ओके आप अपलोड नहीं कर सकती, आपको जो है यहीं से जाके जनरेट करनी होती है। तो दो ऑप्शन देता है कि जो है मैनेज की और AWS मैनेज की और कस्टमर मैनेज की। AWS मैनेज के अंदर देखें मेरे पास दो कीज आ गई हैं यहाँ पे, एक आ गई SNS की, ये उसने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी थी कि मेरी जो भी वो क्या कहेंगे कम्युनिकेशंस हो रही थी SNS, जो भी ऐसे चीज कम्युनिकेट कर रहा था वो जो है इनक्रिप्टेड हो, ऐसा ना हो कि जो है कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मैं जो हूँ SNS के थ्रू जो है ईमेल के अंदर या जो है मैसेज के अंदर भेजूं और वो जो है डिक्रिप्टेड हो और वो जो है उस पर एक सिक्योरिटी रिस्क रहता है। तो उसने ये एक ऑटोमेटिक की जनरेट की थी जो कि उसको फिर AWS खुद ही मैनेज करता है, इसलिए जो है AWS मैनेज कीज के अंदर आ रही थी। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात और भी है कि वैसे तो जो ये एक कीड इंक्रिप्शन मेथड जो यूज करता है वो करता है ये वाला मॉड्यूल, क्या था ये था FIPS 140-2। लेकिन इसका मसला ये है कि ये जो है चाइना में सपोर्टेड नहीं है, तो
तो जो चाइना की रीजन है, चाइना की रीजन के अंदर ये जो है यूज करता है ऑस्का का। ऑस्का क्या है? ऑस्का जो है चाइना चाइनीज गवर्नमेंट का अपना एक टूल है। थोड़ा सा पढ़ भी नहीं सकता। कुछ चीजें हो गई हैं ट्रांसलेट, लेकिन ये जो है चाइनीज गवर्नमेंट का अपना बिल्ट इन है, जो कि बिल्कुल एक चाइनीज के अंदर ही जो है उन्होंने बनाया हुआ है। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई इसका कोई यूज केस है नहीं कि उसकी मैं कोई लैब करवा सकूं। बात एक था हमारे पास एस्टी का। अब हम सिक्योरिटी के अंदर ही एक और चीज होती है इंक्रिप्शन एसडीके। अब एसडीके आप लोगों ने पढ़ा कि एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट थी, तब इंक्रिप्शन एसडीके क्या है? इंक्रिप्शन एसडीके इज अ क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन लाइब्रेरी डिजाइन टू मेक इट इजी फॉर एवरीवन टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा यूजिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इट एनेबल्स यू टू फोकस ऑन द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन रेदर देन हाउ टू बेस्ट इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट योर डेटा। द AWS इंक्रिप्शन एसडीके इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज एंड अंडर द अपाचे 2.0 लाइसेंस। अब आपने अपनी एप्लीकेशन का कुछ डेटा जो है इनक्रिप्ट करवाना है, लेट से यूजर्स का डेटा है, तो उसके लिए आप जो है इंक्रिप्शन एसडीके भी यूज कर सकते हैं AWS का। जैसे अलग अलग टूल्स होते थे, आप लोग अपने एप्लीकेशन यूज करते हैं अलग अलग किस्म के टूल्स, तो उसी तरह जो है एक ये भी है इंक्रिप्शन एसडीके भी जैसे रहेंगे टूल है, जो कि आपकी आपकी एप्लीकेशंस के अंदर आप जो है उसे यूज कर सकते हैं इनक्रिप्ट कर डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करवाने के लिए। इसके अंदर जो है आपकी की यूज होगी जो कि आप लोग जनरेट करेंगे KMS के अंदर। तो KMS का जो है लिंक है बेसिकली इसके अंदर इंक्रिप्शन एसडीके का जो एक वो है डिपेंडेंसी वो होती है KMS पे। तो KMS की कीज को यूज करते हुए ये जो है डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। इसके बाद है आपका सिस्टम्स मैनेजर पैरामीटर्स। तो पैरामीटर स्टोर और कैपेबिलिटी ऑफ AWS सिस्टम मैनेजर प्रोवाइड सिक्योर हायरार्कियल स्टोरेज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डेटा मैनेजमेंट एंड सीक्रेट्स मैनेजमेंट। यू कैन स्टोर डेटा सच एज पासवर्ड्स डेटाबेस स्ट्रिंग्स अमेज़न मशीन AMI IDs एंड लाइसेंसेस कोड एज पैरामीटर वैल्यू। यू कैन स्टोर वैल्यूज एज प्लेन टेक्स्ट और इनक्रिप्टेड डेटा। यू कैन रेफरेंस सिस्टम मैनेजर पैरामीटर इन योर स्क्रिप्ट कमांड SSM डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑटोमेशन वर्कफ्लोस बाय यूजिंग यूनिक नेम दैट यू स्पेसिफाइड व्हेन यू क्रिएटेड द पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर स्टोर, पैरामीटर स्टोर करता क्या है कि AWS सिस्टम मैनेजर, अगर मैं आपको दिखा सकूं, AWS सर्विस होती है सिस्टम मैनेजर की।
जिसके अंदर वो आपको जो है वैसे उसने आपने जो है बहुत सारी चीजें दे दिखा दी उसने, के आपके पास क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड आ गया, ऑप सेंटर आ गया, एप्लीकेशन मैनेजर आ गया, ऐप कॉन्फिग आ गया, पैरामीटर स्टोर आ गया। अभी हम बात कर रहे हैं पैरामीटर स्टोर की। अब पैरामीटर स्टोर क्या करता है कि आपके लिए बेसिकली पैरामीटर एक वेरिएबल है कि उसने एक वेरिएबल बना के अपने पास सेव कर लिया AWS ने एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अब आपने पासवर्ड देना था AWS की CLI के अंदर, या जो है आप एक पाइपलाइन लिख रहे हैं जो भी हमने पहले पढ़ी थी AWS CI/CD पाइपलाइन जो थी, उसके अंदर आप जो है किसी जगह पासवर्ड बता रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो पासवर्ड जो है वो जो है सिक्योर्ड हो, मैं जो हूँ उसको इस तरह बीच में डिफाइन ना करूँ, मैं उसको कहीं कैसी जगह सेव कर दूँ कि वो जो है बाद में अपनी एप्लीकेशन के अंदर कॉल करवा सकूँ और वो जो है मेरे लिए एक सिक्योर तरीका हो। तो उसके लिए है ये पैरामीटर स्टोर। पैरामीटर स्टोर के अंदर आप जो वेरिएबल्स को सेव करवाएंगे और उनकी वैल्यूज को फिर आप जो है जगह जगह यूज कर सकते हैं। जैसे इधर मैं आता हूँ क्रिएट पैरामीटर पे, कह रहा है नाम, आप नाम बताएं, मैं नाम दे देता हूँ क्लास का। अब देखें इधर वो मुझसे पूछे टीयर स्टैंडर्ड है या एडवांस है, उसके बाद पूछे टाइप, टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, या जो है सिक्योर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर आप कह सकते हैं कि एक एरे है डेटा का, जो सिक्योर स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या है, इनक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा यूजिंग KMS कीज फॉर योर अकाउंट और अनदर। अब देखिए मैं जैसे ही आया सिक्योर स्ट्रिंग में, वो कह रहा है कि माई करंट अकाउंट, उसने पूछा आपको कौन सा की यूज करना है, सर तो कह रहा है कि आपने कौन सी की यूज करनी है। आपने जैसे हमने की आईडी, अगर हम कोई और की आईडी बना बनाते हैं वहां पे, तो हम यहाँ पे जाके दिखा सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिख के हम जो है सेव कर देंगे। फिर हम उस जो वैल्यू है उसको जो है हम लोग अपनी एप्लीकेशंस के अंदर कॉल करवा सकते हैं। मैं क्या आपको दिखा दूं इसमें की कोई एग्जांपल हो, तो ये देखें ये तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई थी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने डोमेन का नेम रखा, डोमेन का जो है यूजर नेम रखा। ये बात हो रही है एक्टिव डायरेक्टरी की, कि जब हम विंडोज के अंदर, जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है विंडोज की एक्टिव डायरेक्टरी को जो है एक मैथड यूज किया जाता है फॉर लॉगिन के लिए, या जिस तरह कोई भी अपना बड़ी अपना कंपनी है उसने एक डोमेन लिए ले लिया अपना, वो उस डोमेन पे जो है अब चाह रही है कि जैसे ही मैं मेरी मशीन बने वो जो है इस डोमेन को ज्वाइन कर ले, और हम ताकि हम लोग डोमेन के थ्रू ही सारी पॉलिसी उस पर लगा सकें। तो हमने क्या किया, हमने जो है SSM पैरामीटर्स के अंदर जाके सारी चीजें डिफाइन कर दी, डोमेन नेम, डोमेन ज्वाइन यूजर नेम और डोमेन ज्वाइन पासवर्ड। के बाद हमने जो है IAM की के अंदर डिफाइन कर दिया कि जो है कौन से अकाउंट के अंदर हम कौन सी की यूज कर रहे हैं। अभी देखें ये एक पावरशेल की स्क्रिप्ट चलती है, सी ये रखी हुई थी सी ज्वाइन इंस्टेंस टू डोमेन। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, उसके अंदर इन्होंने AWS इंस्टॉल कर लिया है, AWS के बाद उन्होंने जो है एक स्क्रिप्ट लिखी, और वो स्क्रिप्ट क्या करती है, वो जो है SSM से जाके पैरामीटर वैल्यूज लेकर आती है और जो है चला देती है। अब उन्हें जो पासवर्ड था, ये रहा पासवर्ड हमारा, अब उन्हें ये वाला पासवर्ड जो है बार बार
डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, या मेन स्क्रिप्ट में लिखने की जरूरत नहीं थी। अब जैसे उनका जो भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था उसने जाके एक बार पासवर्ड सेव कर दिया है आपके जो आपका SSM स्टोर था, पैरामीटर स्टोर, आपका जो भी आपका पैरामीटर स्टोर के अंदर जाके उसने जो है वैल्यू सेव कर दी। उस वैल्यू को फिर जो है यहाँ पे अब कोई भी जो डेवलपर बैठा हुआ काम कर रहा है उसे डेवलपर को पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया भाई मेरा ये मैंने इस नाम से पैरामीटर सेव किया हुआ है, इस नाम से आप बस ये इस नाम से आपको जो है वैल्यू आ जाएगी आपके पास। उसने ऐसे कहा पासवर्ड जाके यहाँ पे सेव कर दिया था पैरामीटर स्टोर में। तो ये हमारी हेल्प करता है पैरामीटर स्टोर रियल वर्ल्ड में। इसके बाद एक है STS। AWS सिक्योरिटी टोकन सर्विस, STS। AWS प्रोवाइड AWS सिक्योरिटी टोकन सर्विस एज अ वेब सर्विस दैट इनेबल्स यू टू रिक्वेस्ट टेम्पररी लिमिटेड प्रिविलेज क्रेडेंशियल्स फॉर यूजर्स। अच्छा, तो STS क्या करता है आपके लिए? STS ये करता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर, या फिर लेट से आपने एक एप्लीकेशन बनाई, डेवलपर्स बैठे हुए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके अंदर वो SDK यूज कर रहे हैं, SDK को उन्होंने अपने अकाउंट से, जो उनके पास डेवलपर का अकाउंट था उससे जो है वो लोग कन्फिगर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सैलर आ रहे हैं। तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया आपसे कि जो हमारे अकाउंट के टोकन है उससे जो है एक मसला आ रहा है, तो आप हमें अगर कोई और एक और अकाउंट दे सके या हमें हमारे अकाउंट पे परमिशन बढ़ा सके, तो ये तो हो जाएगा एक बड़ा मसला कि जो है क्यों हमने बढ़ाना, या जो है जरा जो अच्छा, खैर छोड़ उसको छोड़े, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि क्या है कि आपने अब वो उनको जो है एप्लीकेशन को, अब वो लोग तो चले अपने क्रेडेंशियल से जो है ऑथेंटिकेट कर रहे थे, चीजें बना रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एक iOS की एप्लीकेशन बनाई या जो है एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाई, अब उसके अंदर तो वो लोग अपना पासवर्ड डिफाइन नहीं कर सकते, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, वल्नरेबिलिटीज हैं बहुत सारी इसकी भी। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ST से जाके टोकन जनरेट करेंगे जो कि वो लोग यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। ये तब काम आता है कि जब आपके सर्विस अकाउंट होते हैं, सर्विस अकाउंट के लिए आप जो है टोकन जनरेट करवाते हैं उनको ऑथेंटिकेट करवाने के लिए। मैं दिखा सकूं टोकन, मेरे पास ये सोन शो नहीं कर रहा, शायद रीजन का मसला है, तो मुझे रीजन में उस रीजन में शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो है सर्विस होती है इनकी STS के लिए, जहाँ पे आप जो है अकाउंट्स के जो है टोकन जनरेट कर सकते हैं तो टिकट करवाने के लिए।
ये थी अमेजोन की चार सर्विसेज जो कि सिक्योरिटी के लिए एज डेवलपर आप लोगों को पता होनी चाहिए है, जो आप लोग यूज करते, आप लोगों से इनके बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं पेपर के अंदर, जो आप लोगों का ना AWS का पेपर होगा। इनके अंदर कोई प्रैक्टिकल चीजें थी नहीं कि जिसका ज्यादा समझाता या पढ़ाता, इनके जो है बस मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को कवर करने होंगे, और इनके ऊपर जो सही डॉक्यूमेंट चीजें लिखी हुई हैं वो एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेगा अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं आगे क्लाउड फ्रंट पे। अच्छा जी, अमेजॉन क्लाउड फ्रंट इज अ वेब सर्विस दैट स्पीड्स अप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब कंटेंट सच एज .html .css .js एंड इमेज फाइल्स टू योर यूजर्स। क्लाउड फ्रंट डिलीवर्स योर कंटेंट थ्रू वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर्स कॉल्ड एज लोकेशंस। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट कंटेंट दैट यू आर सर्विंग विद क्लाउड फ्रंट, द रिक्वेस्ट इज राउटेड टू द एज लोकेशंस दैट प्रोवाइडेड लोएस्ट लेटेंसी टाइम डिले सो दैट द कंटेंट इज डिलीवर्ड विद द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस। अच्छा, जब हम लोग स्टार्टिंग में AWS क्लाउड के बारे में पढ़ रहे थे तो जो है मैंने बताया था कि जो है इनके जो एबिलिटीज रूम्स हैं वो भी कम है, जो इनके एज लोकेशन हैं वो ज्यादा बहुत ज्यादा है। एज लोकेशन वो होते हैं कि जहाँ पे इनके डेटा सेंटर्स तो होते हैं लेकिन वहाँ पे वो लोगों के पास कोई, वहाँ से ये लोग जो कोई सर्विस आप लोगों को देते नहीं है, वो इन लोगों ने अपनी स्पीड के लिए या जो है अपने कंटेंट के लिए रखे हुए होते हैं। तो क्लाउड फ्रंट क्या करता है कि जिस तरह हम बात कर रहे थे S3 के अंदर एक स्टेटिक HTML वेबसाइट को पब्लिश करने की, हमने एक जो है एक स्टेटिक, हमारे पास पेजेस थे HTML के CSS के, हमने एक बिल्ड बनाई, उस बिल्ड के अंदर हमारे पास जो एक स्टेटिक वेबसाइट की हमने एक बिल्ड बनाई, वो हमने जो है लेट से S3 पे पब्लिश S3 के थ्रू हमने कर दी लाइव। अब मसला क्या है कि उसके अंदर डेटा तो बहुत सारा रखा हुआ है, आपने एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाई तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, अब क्या करें, अब वो एप्लीकेशन लोड होने में ले रही है टाइम, तो आपने क्या किया, आपने उस एप्लीकेशन के आगे एक CDN लगा दिया। CDN होता है क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क, जो कि यहाँ पर है क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट क्या करता है कि उन चीजों को अपने अलग अलग लोग AWS क्लाउड फ्रंट जो अपनी तमाम एज लोकेशंस है वहां पे अपने पास उस चीजों को जो है कैसे कर लेता है। अब लेट से आपने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन में या बहरीन की रीजन में भी आपने कर दी, अब लेकिन आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो जो है चाइना से राउट होती हुई जा रही है या जो है UAE से राउट होती हुई जा रही है, मुंबई से राउट होती हुई जा रही है, जो आपकी नियस्ट एज लोकेशन जो भी होगी उससे आपकी AWS रिक्वेस्ट राउट होते हुए जाएगी। ये AWS का तरीका है, तो जो भी आपका नियस्ट लोकेशन होगी वहां पे पहली बार तो जो है आपको वो सीधा ना जो है प्रॉपर सर्व होगी, उसके बाद सेकेंड टाइम के लिए वो जल्दी परफॉर्मेंस हो जाएगी क्योंकि वो कैसे करने शुरू कर देता है। क्लाउड फ्रंट जो है अपने पास जो यूजर्स के स्टैटिक वेबसाइट का डाटा है उसको अपने एज लोकेशंस पे जो है कैसे करना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन की स्पीड है, आपकी जो फ्रंट एंड की स्पीड है, आपका लेट से किसी वेबसाइट का आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनका जो है एक होम पेज बना हुआ है, AWS का पेज बना हुआ है जो वेलकम पेज होता है, आप उसको जब CDN के थ्रू एक्सपोज करेंगे तो वो जल्दी लोड होगा कस्टमर्स के पास एज कम्पेयर टू अगर आप उसे ट्रेडिशनल वे में लेके चलें। तो ये काम किसका करता है, हम आएंगे क्लाउड फ्रंट में।
यहाँ पे एक कीड़ा क्लॉटवन डिस्ट्रीब्यूशन पे करेंगे क्लिक। अब कह रहे हैं कि आप एक ओरिजिन का डोमेन लिखें कि कहाँ से। बेहतर ये है कि मैं S3 बना लूँ पहले। S3 बनी है मेरे पास काफी सारी। मैं आता हूँ एक और बनाता हूँ ये पैकेट। उसको अपने ही जमे तो मैंने सारी चीजें रखी हुई है अपनी। पैकेट का नेम दे देता हूँ वेबसाइट। कहता हूँ कि इसको यहाँ से इस तरह से लेके चलता है। अच्छा ये देखें यहाँ पे आ गया वो इंक्रिप्शन का। क्या आप किस तरह इंक्रिप्ट करवाना चाह रहे हैं? आप KMS के ये सारी कीज जो है WS के ये देखें S3 मैनेज कीज सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद AWS की मैनेजमेंट सर्विस कीज डुअल लेयर सर्वर साइड इंक्रिप्शन विद AWS की मैनेजमेंट सर्विस कीज। तो यहाँ पे भी जब वो डाटा अपने पास सेव कर रहा है तो उसको इंक्रिप्ट करके सेव करता है जब वो दिखाता है जो वो डिक्लेयर करता है वेबसाइट। हम इसको डिफॉल्ट छोड़ दिया हमने पैकेट की एनेबल करके से। हम आगे इसको HTML का पेज लिखना होगा। मैं एक बना लेता हूँ पेज।
सही। हेलो मैं आता हूँ फिर से अपने बकेट पे। हाँ और यहाँ से यहाँ पे जो है इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। वन सर हम आ जाएंगे अपनी इस पे और अच्छा पब्लिक एक्सेस हम कर देंगे रीड का। आते हैं क्लाउड फ्रंट पे, हमारा क्लाउड फ्रंट। माय क्लाउड फ्रंट पे, माय क्लाउड फ्रंट स्टेशन पे हमने इसे बोल दिया PIC वेबसाइट डॉट S3। जस्ट ने यही नेम उठा लिया हम। सो रहे हैं देखिए यहाँ पे हमारे पास असिस्टेंट नाइट का, हमने से यहाँ पे कर दिया पब्लिक कैश के अंदर डिफॉल्ट हमने रख दिया कि भाई सबको जो है कैश कर ले। हमने जो है गेट का जो है SCD मेथड से अलाउ किया है इस CDN को। वेफ हम उस पर इनेबलिंग कर सकते कर रहे हैं, वरना हम चाहें तो उसमें हम वेफ भी इनेबल कर सकते हैं। वेफ होती है वेफ वेब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये भी सिक्योरिटी का फीचर है और बहुत से लोग इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम इसको डिसेबल ही रहने देते हैं। बाकी चीज़ों को जो है रहने के देंगे। इधर कह रहा है यूज़ ऑल लोकेशन, या आप कौन सी चीज़ करना चाह रहे हैं, हम ऑल एज लोकेशन करवा देते हैं। यहाँ पे हम उसे एसएसएल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं HTTPS के लिए। कर देते हैं क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन सर, डू नॉट इनेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। ठीक अब ये जो है डिप्लॉय हो रहा है, ये डिप्लॉय होने देते हैं।
ये देखें, हमारे पास वो वाला पेज जो है, यहाँ पे हमारे पास S3 जो है पब्लिक नहीं थी, तो उधर भी इसने हमें सेम एरर दे दिया कि जो है आपकी जो S3 है पब्लिक नहीं है। मैं आता हूँ एक और S3 बनाता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ वेबसाइट डैश पब्लिक, मैंने पब्लिक बोल दिया जब मैंने तमाम पब्लिक से हटा दिए इससे से। इनेबल की है और क्रिएट बकेट, मैं पब्लिक के अंदर आके मैं करूंगा अपलोड सेम फाइल को। अब जब मैं ये वाली वेबसाइट अपनी खोलूंगा तो मेरे पास ये खुल जाएगी, ये भी नहीं खुल रही, ये क्यों नहीं खुल रही, खुलनी चाहिए। अच्छा, मसला हमारे पास आया था बकेट ऑनर इन्फोर्स ACR के अंदर हमारे पास इशू आ रहा था। मैं एक मिनट जरा वाला इशू ड्रॉप कर दूँ। लेकिन फिर ये क्या मुझे कह रहा है कि आप एक्सेस नहीं पढ़ सकते हैं, क्या चीज मैं मिस कर रहा हूँ। अच्छा,
यहाँ भी क्या कह रहा है कि ये आ गई हमारा वेबसाइट ये वाली, हम उसका एस यू आर एस वो सारे रिजॉल्व हो गए। मैं आऊंगा इधर, अब ये वाली जो एफ एन एस ओपन हो रही है ये हो रही है क्लाउड फ्रंट से, S3 से नहीं हो रही। इसके अंदर अब अभी तो मेरे पास हेलो लिखा हुआ है, तो ना उधर टाइम लग रहा है ना इधर टाइम लग रहा है, लेकिन अब मेरे पास एक होती कोई बड़ी वेबसाइट जिसके अंदर जो है MB के अंदर डाटा होता, इमेजेस होती, इमेज लोड होने में टाइम लगाती है, लाजमी ये बात है। इसको सिर्फ ऐसा ही नहीं, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि जैसे मेरे पास जाली बकेट थी, मैंने इस बकेट में जाके जरूरी नहीं मैं यहाँ पे पूरी अपनी वेबसाइट अपलोड करूँ, मैं आया मैंने यहाँ पे आके कोई लेकिन लेट से मैं जो हूँ AWS की साइट का एक रेप्लिका बना रहा हूँ, या मुझे AWS वालों ने हायर कर लिया कि आप हमारी वेबसाइट बनाएं, ओके या किसी को भी हायर कर लिया। अच्छा मैं यहाँ पे आके मैं अब मैं किसी आप लोग किसी भी कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया कि उसकी जो इमेजेस हैं वो ज़्यादा जल्दी लोड होनी चाहिए, उनकी इमेज वैसे बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। आपने कहा जल्दी लोड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है उनको एक S3 के अंदर अपलोड करते हैं और फिर हम मुझे साल ये ओके वो मुझे पब्लिक करना पड़ेगा। ओके अब मेरे पास अभी तो एक एप्ली थी कोई कोई क्या बना बाइट्स की या किलो बाइट्स की इमेज है। अब मेरे पास एक हाई डेफिनेशन इमेजेस रखी हुई है मेगा बाइट्स की, जो मुझे अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करवानी है। अब मैं उन अगर वेब जो वो हैं इमेजेस उनको मैं यहाँ पे अपने पास रखूँ, अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोड के अंदर रखता हूँ 10 इमेजेस, इमेजेस मेरे पास 4 MB की, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स के अंदर जो है करियर्स का ये जो है टीम्स का एक वो बना हुआ होता है पेज अलग से ना, तो टीम के अंदर लेट से 10 बंदे हैं, हर एक बंदे की इमेज के साइज है 4 MB, तो आपकी एप्लीकेशन का कोड 40 MB तो ऐसे ही बढ़ गया सिर्फ उनकी इमेजेस से, आपकी एप्लीकेशन हैवी होना शुरू हो गई। तो अब आप क्या करोगे, आपने जो है उस 40 MB को आपने अपलोड करवा दिया S3 पे और उसको आपने जो है पब्लिक करवा दिया क्लाउड फ्रंट पे, जो क्लाउड फ्रंट से जो है सर्व हो रही है आपके पास। इससे क्या होगा कि उस वाली जो इमेजेस हैं वो जो है AWS के क्लाउड्स पे जगह जगह आपके पास होंगी एज अ कैसे रखी हुई होंगी एज लोकेशंस पे, और
और जब भी आपकी एप्लीकेशन, जब भी वो वाली वेबसाइट खुलेगी ना, तो आपकी वाली इमेजेस जल्दी लोड हो जाएंगी, वो इमेजेस लोड होने में टाइम ही लेंगी, क्योंकि वो कैसे सर्व हो रही है। ये फायदा है क्लाउड फ्रंट का हमारे पास। हाँ जी, तो क्लाउड फ्रंट में किसी को क्वेश्चन? क्लियर है क्लाउड फ्रंट सबको? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर है। पढ़ते हैं आगे। हैदराबाद के और टॉपिक्स देखते हैं आज के, और टॉपिक्स क्या थे? आज हमने अब करना है नेक्स्ट टॉपिक रेड शिफ्ट। तो अमेज़न रेडशिफ्ट, अमेज़न रेडशिफ्ट इज अ फुली मैनेज्ड पेटाबाइट स्केल डेटा वेयरहाउस सर्विस इन क्लाउड। अमेज़न रेडशिफ्ट सर्वरलेस लेट्स यू एक्सेस एंड एनालाइज डेटा विदाउट The usual configuration of a provisioned data warehouse. Resources are automatically provisioned and the data warehouse capability is intelligently scaled to deliver fast performance for even the most demanding and unpredictable workloads. You don't incur charges when the data warehouse is idle, so you only pay for what you use. Regardless of the size of the data set, you can load the data and start queuing right away in Amazon Redshift Query Editor version 2 or in your favorite business intelligence BI tool. Enjoy the best price performance and similar SQL Server features in an easy-to-use zero administration environment. So, Amazon Redshift एक डेटा वेयरहाउस टाइप सर्विस है कि जब आपके, जब ऑर्गेनाइजेशन के पास पेटाबाइट्स ऑफ डेटा होता है, टेराबाइट्स या टेरा मल्टीपल टेराबाइट्स या इवन पेटाबाइट्स का भी डेटा होता है जो कि वो लोग यूज करते हैं अपने, उनका अपना ही डेटा होता है, ऐसा भी नहीं है कि वो लोग कहीं और से जो है ले खरीद रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अक्सर एप्लीकेशन के पास होता है। अब आप किसी एक बिजनेस, लेट्स से आप फूड पांडा का ले लें या जो है PIA या सीरीन एयरलाइन का ले लें, अब वो अपना सारा पुराना डाटा, जैसे फूड पांडा वाले वो अपना सारा पुराना डाटा अपने पास रखते हैं सेफ, वो उसको डिलीट नहीं करते। क्यों डिलीट नहीं क्या करते? ताकि वो जो उनको पुराना डाटा है वो, उसकी मदद से वो लोग जो है करते हैं एनालाइज चीजों को, के उनके पास एक ट्रेंड बन रहा होता है कि जो है किस टाइम पे यूजर्स कहाँ पे क्या मंगवा रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट जो है कहाँ पे किस तरह किस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, वो लोग उस हिसाब से अपनी सेल्स जो अपना या जो अपने जो ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, वो लोग उस हिसाब से जो है अनाउंस करते हैं।
या फिर उनकी जो मार्केटिंग कैंपेन होती है वो उस पे बेस करती है। तो अब उनके पास डाटा जमा हो रहा है तकरीबन कोई 6-8 साल तो ही गए फूडपांडा को भी यहाँ पे, वो सारा डाटा अपने पास सेव कर रहे हैं। अब क्या होता है कि उनके पास एक डायवर्सिटी टीम बैठी हुई होगी जिन्होंने उनको ये कन्फिगर करके दिया होगा कि हमारे पास जो भी हमारी एप्लीकेशन से डाटा आ रहा है सारा इसके अंदर सेव होता रहे। मैं इधर आ जाऊँ तेरे को दिखा भी दूँ उसका कंसोल। अब आपके पास ये सारा डाटा है, अब आपने उस डाटा को किस तरह जो है उस डाटा से आपने बेसिकली ये डेटाबेस है आपकी, एक डेटाबेस बन गई आपके सारे एनालिटिकल डेटा की। फिर एक इनका होता है ये क्यूरी एडिटर या BI टूल्स होते हैं, इंटेलिजेंस टूल्स, जिसके अंदर आजकल पावर BI जो माइक्रोसॉफ्ट का वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और भी हैं बहुत सारे लेकिन जो पावर BI वो जैसा ट्रेंड कर रहा है सबसे ज़्यादा दुनिया में। आप जो है उन टूल्स के अंदर अपने इस रेड शिफ्ट को जो है इंटीग्रेट करवा सकते हैं। फिर वाले टूल्स क्या करते हैं कि जो है आपको जो डेटा है उन डेटा की एक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं जितना भी डेटा रखा हुआ है। अच्छा, अब इसकी एक खास बात क्या है, यह पेटाबाइट्स ऑफ डेटा है तो उसकी स्टोरेज के तो पैसे भी अच्छे खासे कटेंगे। अब क्या करें हम, तो अमेजोन कहता है कि भाई आपका जितना भी डेटा हो मैं पैसे चार्ज नहीं करूंगा, मैं पैसे तब चार्ज करूंगा जब आप उस डेटा को प्रोसेस करवा रहे होंगे, जब आप उस डेटा को जो है अपने पास फेच कर रहे होंगे या उस डेटा को जो है अपने या जो उस डेटा के अंदर कोई चीज अपेंड कर रहे होंगे तब मैं आपसे चार्ज करूंगा। मैं याली जो मेरी याली सर्विस है ये है ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज, ये पे एज अ गो वाली नहीं है कि आपने क्लस्टर बना दिया अब वो आइडल स्टेट पे भी है तो आपको चार्ज होने में लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये जो है आपको जो है एक वो देता है बेनिफिट अपनी प्राइसिंग में, क्यों कहता है कि मैं सिर्फ उन्हीं चीजों के चार्ज करूंगा आपसे जो कि मैं जो कि आप जो है मेरी जब यूज कर रहे होगे उस वक्त पैसे मैं चार्ज करूंगा, उसके अलावा मैं आप पैसे चार्ज नहीं करूंगा। ये एक सबसे बड़ा फायदा है आपके पास अमेजॉन रेड शिफ्ट का, क्या क्या आप इसको यूज करें एज अ क्लाउड डेटा वेयर हाउस। आप जो है इसको मशीन लर्निंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं, इधर बेनिफिट लिखे हुए कि आपके पास जो है मतलब जो वो होता है लेटेंसी वो बिल्कुल लो होगी, लो लेटेंसी आपको देता है ये। आप इसको जो है आपके आपके मॉड्यूल ट्रेन कर रहे हैं आप जो है उसके अंदर यहाँ से डेटा जो है कि अपने क्यूरी कर सकते हैं और तेज कर सकते हैं। ये इसके यूज केसेस हैं रियल वर्ल्ड के अंदर रेडशिफ्ट के। रेडशिफ्ट के बाद हम बढ़ते हैं आगे, हमारा दूसरा डील है, हमने पढ़ा था SDK, अब हम आते हैं क्लाउड डेवलपमेंट किट पे या CDK पे। ये है क्या, ये है CDK। AWS क्लाउड डेवलपमेंट किट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोड एंड प्रोविजनिंग इट थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन। अब जो बात की जा रही थी कि हम SDK से जो है चीजों को जो है अपने पास फेच करवा रहे हैं, हमारा जो कोड है उसके अंदर SDK से चीजें अपना फेच हो रही है। अब अगर हमने सर्विस क्रिएट करवानी है अपने क्लाउड से तो हम वो कैसे करवाएंगे,
वो हम लोग करवा सकते हैं सीडीके से। सीडीके के दो प्राइमरी पार्ट्स होते हैं, एक है कंस्ट्रक्ट लाइब्रेरी और एक है टूल किट। कंस्ट्रक्ट लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्री रिटन मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड कॉल्ड कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब स्निपेट्स भी आप इसे कह सकते हैं, दैट यू कैन यूज मॉडिफाई एंड इंटीग्रेट टू डेवलप योर इंफ्रास्ट्रक्चर क्विकली। द गोल ऑफ AWS CDK कंस्ट्रक्ट लाइब्रेरी इज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड टू डिफाइन एंड इंटीग्रेट AWS सर्विसेज टुगेदर व्हेन बिल्डिंग एप्लीकेशन ऑन AWS। अच्छा, AWS टूल किट क्या करता है, अ कमांड लाइन टूल फॉर इंटरेक्टिंग विद CDK एप्स। यूज द CDK टूल किट टू क्रिएट मैनेज एंड डिप्लॉय योर CDK प्रोजेक्ट्स। अच्छा, मैं तेरा यहाँ पे CDK यह है यूजिंग AWS क्लाउड फॉर्मेशन एंड क्लाउड डेवलपमेंट किट टू प्रोविजन मल्टी क्लाउड रिसोर्सेस। अच्छा, कस्टमर्स ऑफन नीड टू आर्किटेक्ट सॉल्यूशंस टू सपोर्ट कंपोनेंट्स अक्रॉस मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, अ नीड ऑफ विच मे अराइज इफ दे हैड एक्वायर्ड अ कंपनी रनिंग ऑन अनदर क्लाउड फॉर फंक्शनल पर्पसेस वेयर स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड अ डिफरेंशिएटेड कैपेबिलिटी। तो ये एक इनका एक पूरा उन्होंने एक AWS वालों ने एक आपको एक यूज केस पूरा लिख के दिया हुआ है कि आप CDK और क्लाउड फॉर्मेशन को कहाँ भी यूज कर सकते हैं। आप एक मल्टी क्लाउड सोल्यूशन बनाने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। मल्टी क्लाउड सोल्यूशन मतलब कि आपने एक एनवायरनमेंट पूरा AWS पे बनाया, वैसे ही आपने एक पूरा एज्योर पे बना दिया या गूगल क्लाउड पे बना दिया या ली बाबा भी बना दिया या ओरेकल बना दिया, किसी भी एक और क्लाउड पे आपने बना दिया पब्लिक क्लाउड पे। अब इसके अंदर आपका जो है यूज केस, अब ये करने के दो मकसद होते हैं, या तो यूज केस हो या तो आप जो है एक जो डिजास्टर रिकवरी रखते हैं। अब आपकी कंपनी ने बोला कि नहीं हमें नहीं, हमें जो है हमें अगर AWS की पूरी कंपनी बैठ गई, बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो ले लें कि AWS की पूरी कंपनी बैठ गई तो क्या होगा हमारे डाटा का, तो जो है वो आपको कहते हैं कि भाई आप जो है हमारी एप्लीकेशन के को जो आपने पूरा क्लाउड फॉर्मेशन से कॉन्फ़िगर करके दिया है यहाँ पे, वैसे ही आप जो है हमें एक और क्लाउड पे भी करके दें। तो आप उस सिनेरियो में जो है जाएंगे आप मल्टी क्लाउड वाले सोल्यूशन पे, जो कि इन्होंने इस पूरे ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली एक जो उनका वो था SDK, उसी से रिलेटेड चीज है, बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। मैं फिर डेवलपर गाइड में हूँ तो मैं उधर ही आ जाऊंगा। इन एप्लीकेशंस के अंदर आप जो है इस वक्त कर सकते हैं CDK के अंदर, उन्होंने जो है दिए एग्जांपल्स जैसे कि आपके पास C# है, गो है, जावा है, पाइथन है, स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने मल्टीपल चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप जो S3 का अगर बैकअप बनाना चाह रहे हैं, बैकअप S3। तो आपने क्या किया, आपने जो है npm install -g AWS CDK, उसके बाद आप जो है CDK deploy की चलाएंगे कमांड अपने कोड को डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि
लेकिन उसके लिए आपको पहले सीडीके की प्रोफाइल्स बनानी पड़ेंगी। तो ये जो है एक क्लाउड डेवलपमेंट किट हो गई, ये एसडीके की ही टाइप है, लेकिन इसके जो कुछ यूज केसेस हैं वो जो है एसडीके से थोड़े से अलग हैं। जब आप लोग इसको यूज कर रहे होंगे तो आप लोगों के बारे में और पता चल जाएगा कि जो है आप लोगों ने जब एसडीके भी यूज किया होगा और क्लाउड जब आप सीडीके यूज करेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा कि जो है दोनों के अंदर फंक्शनैलिटी के चेंजेस क्या क्या है, मेन चेंजेस जो है। ये लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, सी शार्प एंड गो। अब ये एक जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर वही काम हो रहा है कि जो हम लोग अपना एसडीके के अंदर कर रहे थे। ये इसका एक मुझे कहने का कि जो है चीजें सिमिलर हैं, इतना ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, लेकिन कहीं पे जो है चीजों के अंदर डिफरेंस आ जाता है। जैसे हम मल्टी क्लाउड के अंदर काम कर रहे होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो है सीडीके जो है हमारे पास यूटिलाइज होता है एज कम्पेयर टू एसडीके। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? यूज AWS CDK टू डेवलप रिलायबल स्केलेबल एंड कॉस्ट एफिशिएंट एप्लीकेशंस इन द क्लाउड विद कंसीडरेबल एक्सप्रेसिव पावर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दिस अप्रोच यील्ड्स मेनी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट मैनेजिंग योर डेवलपमेंट मैनेज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड प्रैक्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टू क्रिएट डिप्लॉय एंड मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ प्रोग्रामेटिक डिस्क्रिप्टिव एंड डिक्लेरेटिव वे। विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड यू कैन ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर द सेम वे डेवलपर्स ट्रीट कोड। दिस रिजल्ट्स इन अ स्केलेबल स्ट्रक्चर्ड स्केलेबल एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। टू लर्न मोर अबाउट कोड तो दूसरी चीज हो गई। विद AWS CDK यू कैन पुट योर इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑल इन वन प्लेस इंश्योरिंग दैट यू हैव अ कंप्लीट क्लाउड डिप्लॉयबल सिस्टम सेट एवरी माइलस्टोन। एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज कोड रिव्यू यूनिट टेस्ट एंड सोर्स कंट्रोल टू मेक योर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर रोबस्ट। अब बात वो हो रही थी कि जब क्लाउड फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे थे कि पूछा जा रहा था कि जो है कि हम जो सर्विसेज डिप्लॉय कर रहे हैं कि हमारी एक एप्लीकेशन थी वो डिप्लॉय हो रही थी, लेकिन वो डिप्लॉय हो कैसे रही थी उस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है एक वो राउंड एंड राउंड क्वेश्चन घूम रहा था। तो वहां पे काम आता है ये सीडीके का कि आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, जिस हम उस दिन बात कर रहे थे टेराफॉर्म की, मैंने आपको बताया था कि टेराफॉर्म एक टूल है, तो उसी तरह टेराफॉर्म की तरह एक टूल है सीडीके के, जिस तरह आप जो है टेराफॉर्म के अंदर चीजें कोड करते हैं उसी तरह आप जो है इसके अंदर पूरी चीजें कोड कर देंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसका फायदा क्या है? क्योंकि आप तो कहेंगे हम तो हम लोग प्लॉट फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, हम लोग टेम्पलेट लिख सकते हैं। आप इसके अंदर सीडीके के अंदर आप जो है अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज के अंदर चीजें लिख सकते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर तो ये था ना कि आपको जेसन के अंदर लिखना है तो आपको यमल के अंदर लिखना है। अब आप चाहें तो सीडीके यूज करते हुए आप जो है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखें, जावा के अंदर लिखें, गो के अंदर लिखें, सी शार्प के अंदर लिखें, जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखें, आपके पास इसने जो है बहुत सारे एप्लीकेशन वो बहुत सारी लैंग्वेजेस और ओपन कर दी हैं सीडीके ने क्लाउड फॉर्मेशन के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन सीडीके से रिलेटेड?
नो सर, अभी तो नहीं है। नहीं आ तो अब हमारी एक सर्विस एसीएम, एसीएम हमने कवर कर ली है? नहीं, अभी हमने एसीएम कवर नहीं किया। जिस तरह हम बात कर रहे थे केएमएस की मैनेजमेंट एक सर्विस थी, इसी तरह एक सर्विस होती है एसीएम, सर्टिफिकेट मैनेजर। AWS सर्टिफिकेट मैनेजर हैंडल्स दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड रिन्यूइंग पब्लिक एंड प्राइवेट SSL TLS X.549 सर्टिफिकेट्स एंड कीज दैट प्रोटेक्ट्स योर AWS वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। यू कैन प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम योर इंटीग्रेटेड, यू कैन प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स फॉर योर इंटीग्रेटेड AWS सर्विसेज ईदर बाय इशूइंग देम डायरेक्टली विद ACM और बाय इंपोर्टिंग थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स इनटू ACM मैनेजमेंट सिस्टम। ACM सर्टिफिकेट्स कैन सिक्योर सिंगुलर डोमेन नेम्स, मल्टीपल स्पेसिफिक डोमेन नेम्स, वाइल्ड कार्ड डोमेन्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ACM वाइल्ड कार्ड्स कैन प्रोटेक्ट एन अनलिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ सब डोमेन्स। यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट ACM सर्टिफिकेट साइन बाई AWS प्राइवेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी फॉर यूज एनीवेयर इन योर इंटरनल PKI। अब इनकी एक सर्विस है ACM सर्टिफिकेट मैनेजर। अब यहाँ पे जो है आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर आपका कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं या आप एक नया सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अच्छा, ये जो है एक चार्ट सर्विस पे, मैं इसकी जरा चार्जेस निकाल दूँ। प्राइस कैलकुलेट करूँ। कह रहा है कि एक सर्टिफिकेट प्राइवेट सर्टिफिकेट। अच्छा, 30 डेज फ्री ट्रायल है वैसे इसका। अगर आप ये देख रहे हैं मंथली कॉस्ट कितनी हो गई है एक प्राइवेट CA की, $400। नंबर ऑफ जनरल पर्पस मोड प्राइवेट सर्टिफिकेट, हालांकि हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, हम जो है पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये प्राइवेट पे जो है ये लोग चार्ज कर रहे हैं $400 पर मंथ। यू आर नॉट क्रेडिट फॉर एडिशनल चार्जेस दैट विल मैनेज टू पे ओनली फॉर। तो ये व्यू दर ही ले आया मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन से। लेकिन जो सर्टिफिकेट्स होते हैं और खासतौर पर पब्लिक सर्टिफिकेट्स, वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तो जरा इधर ना थोड़ा ध्यान से, जो रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट है या क्रिएट अ प्राइवेट CA है, तो ये जो है चीजें थोड़ी सी ना पेड हैं, इसलिए उनके बारे में ज्यादा मैं आप करके दिखा नहीं सकता चीजें। लेकिन यहाँ पे जो है आप
अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, अब आपने एप्लीकेशन बनाई, अब आप जो है आपकी कंपनी कह रही है कि आप हमें SLSR लगाना है, जैसे ही लगा वैसे इसके, अगर मैं इसका सर्टिफिकेट देखूँ तो ये अमेजोन ने खुद इशू किया हुआ अपने आप को। SSL के सर्टिफिकेट $400 के हैं पर मंथ किया गया, समझ में यस नहीं आया नहीं, कि प्राइवेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्टिफिकेट इशू करती है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है सर। लेकिन सर शेयर बहुत ठीक ठाक है फिर तो इसकी। मैं अगर आपको एक और टूल है एसएसएल का, एसएसएल लिख एसएसएल सर्टिफिकेट्स, डीजी सर्ट, मैं डीजी सर्ट से आपको एक सर्टिफिकेट की प्राइस दिखा देता हूँ। एक ये इनका एक बेसिक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट एक बेसिक, इसकी आप प्राइस पढ़ लें यहाँ पे। ये पर ईयर है वैसे तो प्राइस, लेकिन ये जो है आपके एक साथ का चार्ज होंगे, ऐसा नहीं है कि आप साल के एंड में जो है कर सकें, और ये एक बिल्कुल बेसिक सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट्स में जाएंगे तो वो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मंथली भी 40 बहुत अच्छी। वो सर्टिफिकेट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वाइल्ड कार्ड हैं, आपके प्राइवेट पब्लिक सर्टिफिकेट्स हैं, आपके सिर्फ पब्लिक सर्टिफिकेट्स हैं, तो सर्टिफिकेट्स बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन सर्टिफिकेट्स होते काफी ज्यादा कॉस्टली हैं, और इनके जो चार्जेस हैं वो जो है ईयरली होते हैं। आपको सर्टिफिकेट इशू होगा वो जो है फॉर अ ईयर इशू होता है, जैसे इधर मैं आ गूँ, मैं इनका सर्टिफिकेट देखता हूँ, इनका सर्टिफिकेट डीजी सर्ट का है, इनका डीजी सर्ट का सर्टिफिकेट है। अमेजोन के पास अमेजोन का सर्टिफिकेट था, गूगल के पास किसका सर्टिफिकेट है? गूगल के पास गूगल का सर्टिफिकेट है अपना। अब इन लोगों की अपनी सर्विसेज हैं, अब लेकिन आप जैसे किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी पब्लिक वेबसाइट ले लें, आप फूड पांडा की बात कर रहे थे, हम तो फूड पांडा पे चले जाते हैं अभी, तो फूड पांडा यूज कर रहा है लेट्स इनक्रिप्ट का सर्टिफिकेट, ये भी एक और सर्टिफिकेट इश्यूअर अथॉरिटी है। तो पब्लिक सर्टिफिकेट इश्यू करने की बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं, आप उनसे जाके अपना सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत साइट्स पे आ रहा होता है CDBS इशू, हालांकि सर्टिफिकेट होता भी है लेकिन वो किसी ऐसी कंपनी से उन्होंने लिया हुआ होता है जो कि ज्यादा जो है रिकग्नाइजेबल नहीं होती, तो वो जो है हर जगह आपके पास रिकग्नाइज नहीं हो पाता। आपको आपका जो ब्राउजर है वो आपको इसलिए जो कहता है कि ये जो है सिक्योर नहीं है, तो इसलिए एक रिकमेंडेड तरीका ये होता है आप जो है अपनी वेबसाइट्स के अंदर ऐसे सेल्स सर्टिफिकेट यूज करें, तो वो जो है किसी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज का जो है इशू हुआ हुआ हो। अब जैसे मैं अभी जिस का AWS अकाउंट यूज कर रहा हूँ, मैं अगर इनकी वेबसाइट खोलता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे जो है गूगल, ये जो गूगल सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं। मैं अगर आपको एक और वेबसाइट दिखा दूँ, इसी तरह क्लाउडफ्लेयर के भी होते हैं वेबसाइट्स सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं इस तरह, ये क्लाउडफ्लेयर का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा हुआ है, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब
यहाँ पे जो वाले सर्टिफिकेट से ये जो है फ्री वाले सर्टिफिकेट चल रहे थे। जब आप जो है कुछ जगहों पे जाके अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं, जैसे क्लाउडफ्लेयर है, आप क्लाउडफ्लेयर पे जो है फ्री अपनी वेबसाइट के लिए सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस एक स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए होगा। आप जो है उस आपको उसकी प्राइवेट की नहीं मिलेगी कि आप उससे जो है और चीज़ें इनक्रिप्ट कर सकें या जो है और चीज़ें जो है डिक्रिप्ट कर सकें। जब आप वेबसाइट वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे तो उसके बाद वो जो है आपको जो है एक सर्टिफिकेट जो है लगा के दे देगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अगर सर्टिफिकेट यहाँ पे अपनी एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो आप या तो अपना सर्टिफिकेट इंपोर्ट कर लें, लेकिन इम्पोर्ट करने के लिए वो आपसे जो है प्राइवेट और पब्लिक की तो अपना दोनों मांगेगा। देखें प्राइवेट की आपको जो फ्री सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको दो फ्री सर्टिफिकेट्स दिखाए दो वेबसाइट्स पे, यहाँ पे जो है दोनों पे जो है प्राइवेट की नहीं लगी हुई थी। मेरे पास दोनों की प्राइवेट की नहीं है क्योंकि ये फ्री सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो है जो इश्यूअर्स हैं उन्होंने अपने पास ही रखे हैं प्राइवेट कीज, कि मैं उनको कहीं और ज़्यादा यूज़ ना कर सकूँ। अब क्या होता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के अपने जो है सीए होते हैं, अपनी ही और सर्विसेज होती हैं जिनको, माइक्रोसॉफ्ट की एक है सर्विस, वो ऑन प्रेम सर्विस है, आप जो है उससे भी सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे लाके इंपोर्ट करके उनको यहाँ पे चला सकते हैं अपनी वेबसाइट को HTTPS पे एक्सपोज करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके आपको जो है यहाँ पे पहले एक सीए बनाना पड़ेगा, उसके बाद एक रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, या हम चाहे तो डायरेक्टली भी एक परमानेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मैं अगर एक यहाँ उसकी प्राइस देखूँ, ये अगर फ्री टीयर के अंदर दे दें एक सर्टिफिकेट तो क्या ही बात है। वो कह रहे हैं कि 11 सर्टिफिकेट आपके पास फ्री होगा, कि अगर मैं जो हूँ इनसे एक पब्लिक सर्टिफिकेट मांगता हूँ, जैसे हम कह देते हैं जैसे डोमेन नेम है तो नहीं मेरे पास कोई अभी अवेलेबल, ऐसे कह देता हूँ मैं जाऊंगा तो आपने जाके रिक्वेस्ट कर दूंगा सर्टिफिकेट का, लेकिन रिक्वेस्ट मुझे फ़ौरन मिलेगा नहीं तो क्योंकि थोड़े टाइम के बाद मिलेगा, लेकिन मेरे पास पहला सर्टिफिकेट फ्री होगा जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन से नज़र आ रहा है। पब्लिक SSL DLS सर्टिफिकेट प्रोविजन थ्रू AWS सर्टिफिकेट मैनेजर्स आर फ्री, और फ्री हो कोई हिडन चार्जेस ना हो, हिडन चार्जेस तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन वो फुली फ्री होगा। तो हम यहाँ से भी जाके अब अपना एक सर्टिफिकेट जनरेट करवा के अपनी वेबसाइट के साथ ना हम अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हमें प्राइवेट की नहीं देंगे जो हम लोग कहीं और अपनी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकें, हमें सिर्फ उसको इसी के थ्रू ही, इस कंसोल के थ्रू ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये था AWS सर्टिफिकेट मैनेजर। अब मैं जरा आऊँ, अच्छा तो जरा हम जो है ये बताएं, पहले तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें उनमें किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर है सब कुछ? ना क्लियर है ना कोई क्वेश्चन है, ये कौन सी स्टेट होती है क्लास? आप लोग हैं भी क्लास में या नहीं है? सारे सो गए आज? सर बात ये होती कि जब तक एक है ना दफा खुद से नहीं मतलब तब करते ना,
तो ना ही कोई सवाल बनता है और ना ही कुछ नहीं देखा सर, ऐसा होता है कि जहन कोई ठीक होता चीज है। एक समझ में दफा ना खुद आए से जब तो समझा रहा हूँ मतलब तो। इतना तो सर समझ लेते हैं जो आपने बताया होता है, लेकिन एक बात होती है ना कॉन्फिडेंट की, वो तभी होता है जब खुद से भी करें। ओके ओके, तो मैसेज लाना चाहिए। सस्पेंस जरा जहन फिर बना रहता है। अच्छा तो अब जो है हम लोग पहले अपने एक कोर्स का रिव्यू कर लें कि हमारा कोर्स कहाँ तक पहुंच गया है। हमने फंडामेंटल्स के अंदर जो है एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पढ़ लिया, IAM रोल्स, IAM पॉलिसीज, अमेजोन EC2, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इलास्टिक लॉग स्टोर, Route 53, RDS, इलास्टिक कैसे, विर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, 3-tier एप्लीकेशन, S3, S3 सिक्योरिटीज, CLI, SDK, इलास्टिक बीन स्टॉक, CI/CD के अंदर कोड कमिट, कोड पाइपलाइन, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड स्टार। फिर हमने क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ा, फिर क्लाउड वॉच पढ़ लिया, एक्सरे पढ़ लिया, क्लाउड ट्रेल भी पढ़ लिया है हमने, SQS और SNS भी पढ़ लिया, कैंसिस भी पढ़ लिया। अब जो हमारे टॉपिक बचा है वो बचा है सर्वरलेस। अभी के लिए हमारे पास लैम्डा है, डायनेमो DB है, API गेटवे है, कॉग्निटो है, एप सिंक है, और सर्वरलेस एप्लीकेशन मॉडल है। क्या हम डॉकर पर आए, हमने डॉकर भी कवर कर लिया, हमने सिक्योरिटी इंक्रिप्शन भी आज कवर कर लिया है, हमने क्लाउड नेटवर्क भी कवर कर लिया है, हमने CDK के कवर कर लिया, सर्टिफिकेट मैनेजर का कवर कर लिया, रेडशिफ्ट कर लिया। अच्छा स्टैक फंक्शन बचा है और सिंपल वर्कफ्लो सर्विस बची है। सिंपल वर्क फ्लो सर्विस होनी चाहिए। अभी हमारे पास दो टॉपिक्स बचे हैं, तीन, स्टैक फंक्शंस, सर्विस, सिंपल वर्कफ्लो सर्विस और सर्वरलेस। इसके अलावा किसी भी सर्विस में आप लोगों ने जो नई प्रैक्टिस की है अभी तक, 2.5-3 महीने होने को आए, सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? ऑल क्लियर। तो मतलब अगर टेस्ट होगा तो आप लोगों के आ जाएंगे 100 100 out of 100। आ जाएंगे 100 या कम आएंगे? चलें तो अच्छा जी, तो जी, अमेजॉन सिंपल वर्कफ्लो सर्विस SWF प्रोवाइड्स अ वे टू बिल्ड, रन एंड स्केल बैकग्राउंड जॉब्स दैट हैव पैरेलल और सबसिक्वेंशियल स्टेप्स। विद अमेजॉन SWF यू कैन कोऑर्डिनेट वर्क अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स, ट्रैकिंग द स्टेट ऑफ टास्क। In Amazon SWF, a task represents a logical unit of work that is performed by a component of your application. Coordinating tasks across the application involves managing inter-task dependencies, scheduling and concurrency in the logical flow of your application. Amazon SWF gives you the control over implementing tasks and coordinating
देन विदाउट वरिंग अबाउट अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटी सच एज ट्रैकिंग एंड देयर प्रोग्रेस एंड मेंटेनिंग देयर स्टेट। रजिस्टर डोमेन, डोमेन तो है नहीं हमारे पास, तो इसका भी मैं आप लोग समझा देता हूँ कि होता क्या। अच्छा देखिए, होता क्या है कि जब आपके कुछ जैसे बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे होते हैं आपकी मशीन्स पे, या फिर ये बेसिकली एक क्राउन जॉब की एक टाइप है कि जिस तरह अगर लिनक्स आप लोग यूज करते हैं तो लिनक्स के अंदर होता है क्राउन जॉब, क्या आपके मल्टीपल प्रोसेस हैं, रिपीटेड प्रोसेस हैं, या आपकी एप्लीकेशन के प्रोसेस हैं। अब लेट से आपने एप्लीकेशन के अंदर जो है चीज़ें डिफाइन की हुई हैं कि आपने जो है डेटा जो भी है उसको क्लियर करना है, आज मतलब आज का कुकीज़ जो थी उसको आप ऐसे ले लें कि आप लोग जो है आपकी एप्लीकेशन जो है कुकीज़ देती है यूज़र्स के अपना ब्राउजर्स के अंदर कुकीज़ से सेव करवाते हैं आप लोग। अब आप लोग कुछ ना कुछ मेटा डेटा अपनी एप्लीकेशन से सेव करवाते हैं टेम्प्रेरी या सेशन के एंड पे। अब क्या होता है कि आप लोगों ने एक सेशन के लिए उनके जो है कुकी सेव करवाए। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि डे एंड पे जब हम लोग हम डे एंड पे हम लोग देखें जो भी हमारे सेशन एक्सपायर हो चुके हैं उन सबका मेटा डेटा हमारे पास से डिलीट हो जाए, उन जो स्पेसिफिक सेशंस का देना हो या यूजर्स का, सिर्फ उन स्पेसिफिक सेशंस का जो मेटा डेटा है वो डिलीट हो जाए, हमें उसका कोई काम नहीं है। तो अभी एक रिपीटेड काम है जो कि बैकग्राउंड पे चलना है, तो इसके लिए आप जो है SWF की सर्विस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब इसका जो आपको लैब का ट्यूटोरियल है वो तो आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब चैनल पे AWS के अपने, क्योंकि मैं करा नहीं सकता, मेरे पास डोमेन अभी रजिस्टर है नहीं यहाँ पे, और डोमेन खरीदना पड़ेगा वो भी एक अच्छी खासी कॉस्ट है। तो आपके जो क्राउन जॉब्स वाले काम है वो जो है आप सिंपल वर्कफ्लो सर्विस से करवा सकते हैं AWS के अंदर। इसके बाद एक और चीज़ होती है स्टेप फंक्शन। अच्छा ये आ भी रहा है तो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले हम लोग स्टेप फंक्शन के डॉक्स पढ़ लें। तो AWS स्टेप फंक्शन इज अ सर्वरलेस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दैट लेट्स यू इंटीग्रेट विद AWS लैम्डा फंक्शंस एंड अदर AWS सर्विसेज टू बिल्ड बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस थ्रू स्टेप फंक्शन ग्राफिकल कंसोल। यू सी योर एप्लीकेशन वर्क फ्लो एज सीरीज और इवेंट ड्रिवन स्टेप्स। स्टेप फंक्शन इज बेस्ड ऑन स्टेट मशीन्स एंड टास्क एंड स्टेप फंक्शन अ वर्क फ्लो इज कॉल्ड अ स्टेट मशीन विच इज अ सीरीज ऑफ इवेंट ड्रिवन स्टेप्स। ईच स्टेप इज अ वर्क फ्लो, ईच स्टेप इन अ वर्क फ्लो इज अ स्टेट। तो बेसिकली ये जो स्टेप फंक्शन है ये समझ लें स्टेप फंक्शन जो है सिंपल वर्कफ्लो सर्विस के का अपना बड़ा भाई है, तो ऑलमोस्ट वही पूरा काम हो रहा है जो कि इसका हमारा पूरा था सिंपल वर्कफ्लो सर्विस के अंदर। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये सर्वरलेस के अंदर भी आपका कर सकता है, आप जो है स्टेप फंक्शंस को अपनी एप्लीकेशंस के अंदर या आपके जो भी सर्विसेज चल रही हैं आप उसके अंदर जो है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उस इंटीग्रेशन के लिए जो है आपके अब जैसे जो एक वर्कफ्लो सर्विस थी, वर्कफ्लो सर्विस जो है वो तो आप अपने पास सेव करवा आप जो है अपनी एप्लीकेशन से इंटीग्रेट कर देते हैं, आपके जो एप्लीकेशन के रिपीटेड टास्क हैं वो आप लोग उससे परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब आपके पापा आपने लिखे हुए हैं लैम्डा के फंक्शंस, अब आप उनको जो है एक सर्टेन टाइम बाद जो है चलाना चाहते हैं, या जो है उनको जो है आप एक डिजायर्ड टाइम पे चलाना चाहते हैं, तो
उसके लिए आपके पास आते हैं स्टेप फंक्शंस। तो ये भी वही पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि सिंपल रेपो सर्विस का था, लेकिन थोड़ा सा एनहेंस्ड है। ये बेसिकली एडवांस सिंपल वर्कफ्लो सर्विस टाइप चीज है आपके पास। अब जिस तरह उसके लिए आपको मैंने कहा रिकमेंड किया था कि वो आप लोगों को जो है लैब्स देखनी पड़ेंगी AWS के यूट्यूब से, जिसकी भी आपको लैब्स वहीं से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स जो कि हमारे पास थे नहीं, ये सब थ्योरी वाली चीजें थी। आज की क्लास हमारी मेनली बेस्ड भी थी थ्योरी पे, सिर्फ एक सर्विस थी हमारे पास क्लाउड फ्रंट वाली जो CDN सर्विस थी, वो थी बस समझ के हमने लैब किया था। बाकी तो हमारी सारी थ्योरी वाली चीजें थी जो कि हमने आज कवर कर ली है। तो किसी का कोई क्वेश्चन, या वी आर ऑल गुड? क्विज का मटेरियल शेयर करवाइएगा कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होंगी अब नेक्स्ट क्विज में। एक मिनट सर, सवाल फिर से रिपीट करेगा क्वेश्चन, सॉरी। मैंने इसमें जो सर्विसेज और टॉपिक्स इंक्लूड होंगे उनके नेम जरा मेंशन कर दीजिए। वो जब क्विज असल में अनाउंस हो जाने चाहिए थे, वो कुछ इश्यूज की वजह से अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। वो इंशाल्लाह जो है इस वीक में, या जो है इस वीक के एंड तक आपको कुछ टू का तो मटेरियल सामने बता देंगे, कुछ टू के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप लोगों के दो क्विज अभी और पेंडिंग है, तो वो भी आप लोगों को जो है इंशाल्लाह इस वीकेंड के एंड तक आप लोगों को चीजें पता चलना शुरू हो जाएंगी कुछ इसके हवाले से। जैसे ये सारी चीजें होंगी, हमें सारी सर्विस पढ़ तो ली है। अभी ये है कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोग बता देंगे आप लोग पहले किस पे प्रैक्टिस करें, फिर किस पे प्रैक्टिस करें। जी तो आई गेस वी आर ऑल गुड फॉर नाउ फॉर टुडे। सारी थ्योरी कवर हो गई है आज की, तो जो सारी चीजें थी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या पुरानी क्लासेस से इस क्लास है तो वो पूछ सकते हैं अभी, वरना फिर हम क्लास एंड करेंगे आज की। चले सही है, आप लोग फिर प्रैक्टिस करें, कोई चीज हो तो जरूर पूछ लेगा नेक्स्ट क्लास में, या उससे पहले भी ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सब बता हेल्प कर ही रहे हैं दूसरे की, अगर उसके अलावा कोई चीज समझ में ना आए और सारे फंसे हुए हो तो जो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग चाहे तो। नंबर ग्रुप में नंबर है मेरा, चाहे तो उन्हें ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं देख लूँ कि मैसेजेस मेरे लिए ही थे। चलिए थैंक यू, बस।